अस्सलामुअलैकुम फैमिली कुजीन में आप सबको खुश आमदीद। आज हम बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही मज़ेदार सी स्वीट डिश बनाएंगे, जिसे कहते हैं खुबानी का मीठा। इसे हैदराबादी डिश भी कहा जाता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम 1 किलो दूध लेकर इसे उबालने के लिए रख देंगे। जब तक दूध गर्म हो रहा है, 1/2 कप दूध में 4 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर के डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि हमने इसे बहुत गाढ़ा सा बनाना है, तो इसलिए हमने इसमें 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर के लिए हैं। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तमाम गुठलियों को निकाल कर बहुत अच्छे से स्मूथ सा हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा दूध भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने ये पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल देंगे और इसे बराबर से स्पून को चलाते रहेंगे ताकि इसमें किसी भी किस्म की गुठलियाँ ना बनने पाएँ। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो 1/2 कप हम इसमें चीनी डालेंगे। 1/2 कप चीनी आपको कम लग रही होगी, लेकिन ये मैं आगे चलकर आपको बताऊँगी कि हमने 1/2 कप चीनी इसमें क्यों डाली है। तो यहाँ पर हमारा कस्टर्ड भी रेडी हो गया है, उसे ठंडा कर लेते हैं। तो जब तक हमारा कस्टर्ड ठंडा हो रहा है, मैं आपको बाकी के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये खुबानी का मीठा है जो कि हमने घर में ही तैयार किया है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी भी बता दूँगी। यहाँ पर मैंने कुछ कूटे हुए पिस्ता और बादाम ले लिए हैं। यहाँ पर 1 मिल्क पैक की क्रीम का डब्बा मैंने लिया है, तो इन्हें हम आगे चलकर इस्तेमाल करेंगे। तो 1/2 घंटा यहाँ पर गुजर चुका है और हमारा कस्टर्ड का मिक्सचर भी ठंडा हो चुका है। अब हम शीशे का एक बर्तन ले लेंगे और उसमें कस्टर्ड की लेयर बिछा लेंगे। चारों तरफ अच्छे से कस्टर्ड को हमने फैला लेना है। जब पूरी डिश में तमाम कस्टर्ड अच्छी तरह से लेयर हो जाएगा, तो हम इस पर बादाम और पिस्ते जो कि हमने पहले से कूट कर रखे हुए थे उसकी भी लेयरिंग कर लेंगे और उसे अच्छी तरह से चारों तरफ हम इसे छिड़क लेंगे। तो जब तक हम यहाँ पर पिस्ते बादाम से गार्निश कर रहे हैं, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारी कस्टर्ड और ड्राई फ्रूट की गार्निश हो गई है। अब हम इस पर खुबानी का मीठा फैला लेंगे। तो अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि हमने कस्टर्ड में मीठा कम क्यों रखा था। तो ये जो हमने खुबानी का बैटर बनाया हुआ है, इसमें ऑलरेडी बहुत चीनी शामिल है, काफ़ी मीठा है। तो ये दोनों चीज़ें जब मिक्स हो जाएंगी तो मीठा बिल्कुल बैलेंस और बराबर हो जाएगा। और ये बहुत ही मज़ेदार और बेहद ही लजीज सा कॉम्बिनेशन बनकर तैयार हो जाएगा। तो तमाम कस्टर्ड के ऊपर हम ये अच्छी तरह से फैला लेंगे और इसके बाद हम दोबारा से ड्राई फ्रूट की लेयरिंग कर लेंगे। तो ये सेंटर में ड्राई फ्रूट की लेयरिंग बहुत ही लाजवाब सा टेस्ट देती है। तो अब हम इस पर बाकी का जो भी कस्टर्ड बचा हुआ है वो तमाम का तमाम इस पर डालकर उसकी भी एक फाइनल लेयर हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए कस्टर्ड डालने के बाद तो ये कुछ इस तरह का दिखने लगेगा। अब हम इसके ऊपर क्रीम से गार्निश कर लेंगे। मैं इसको इस तरीके से ब्रिक्स में बना रही हूँ। आप जिस तरह से भी चाहें इसकी सजावट और गार्निश कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये टोटली आपकी अपनी चॉइस है, जिस तरह चाहें आप इसको सजाएं, डेकोरेट करें और ख़ूबसूरत भी बना सकते हैं। तो मैं इस पर सीधी सीधी सी पहले लाइंस बना के फिर मैं इसके खाने बना लूँगी और मैं इन खानों में जो बचा हुआ ड्राई फ्रूट है वो इसमें रख कर इसके डिज़ाइन को बना लूँगी। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, आप जैसा चाहें इस पर बना सकते हैं, ये जिस तरह से भी रख सकते हैं। तो देखिए ये हमारा मज़ेदार सा और आसान सा खुबानी का मीठा बनकर तैयार हो गया है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम इसे अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो जब ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम इसे सर्व करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।